पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का खत्म हो गया इंतजार। तारीखी कजाफी स्टेडियम PSL 3 के पहले एलिमिनेटर मैच की मेजबानी के लिए तैयार। दिफाई चैंपियन पिशावर जलमी का टकराव कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। सुपर इवेंट का सुपर मैच देखने को पूरा मुल्क बेकरार। जिंदा दिलाने लाहौर की धड़कनें तेज। सबको है बस छक्के चौकों के एक्शन का इंतजार। PSL प्लेऑफ मैचेस में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की लाहौर आमद। मेहमानों का वालेहाना इस्तकबाल। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रैली रोसो का शायकीन क्रिकेट के लिए वीडियो पैगाम। कहा पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। डेरन सैमी कहते हैं पाकिस्तान से कोई अजनबियत नहीं, कई मरतबा आ चुका हूं, पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत है। क्रिकेट का होगा धूम धड़का। पाकिस्तान का दिल फिर से क्रिकेट के लिए धड़क उठा। खैबर से कराची तक हर सू क्रिकेट का बुखार है। शायकीन के अंदाज भी निराले हैं। जिसने तो टिकट ले ली वो करेगा बराह रास्त इंजॉय। जो रह गया वो घर में क्रिकेट से लुत्फानंदोज होगा। शहर भर में बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम भी कर दिया गया। मौसम ने भी पाकिस्तान सुपर लीग को अपने अंदाज से खुशामदीद कहा। बूंदाबांदी से सलामी, ठंडी हवाओं ने रुत ही बदल दी। मौसम ने एक टिकट में दो मजे करा दिए। दर्जा हरारत कम होता देखकर शायकीन क्रिकेट का जोश और भी बढ़ गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की भी नबीद सुना दी। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम 3 माह के लिए बंद करने का हुक्म। तहरीरी तौर पर मुआफी मांगने की हिदायत। गैर मशरूत मुआफी मांगकर खुद को अदलिया के रहमो करम पर छोड़ता हूं। शाहिद मसूद ने मुआफी नामा अदालत में जमा करा दिया। शाहिद मसूद साहब आपने फांसी मांगी थी वो नहीं दे रहे। आपने बार बार काजी को अपने प्रोग्राम में पुकारा। काजी हर मजलूम की पुकार पर आएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि जब पुराने रेफरेंस पे कुछ ना निकला तो नए रेफरेंस क्यों दायर किए। नया रेफरेंस पहले रेफरेंस पर खोल चढ़ाने के मुतरादिफ है। पहले 6 माह में क्या साबित हुआ जो अब नई चीजें मिल गईं। आमिर लियाकत की PTI में शमूलियत पर भी तंज। कहा PTI बनी ही आमिर लियाकत जैसे लोगों के लिए है। आमिर लियाकत ने चंद साल पहले नून लीग में शमूलियत की कोशिश की थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि पहले 6 माह में क्या साबित हुआ जो अब नई चीजें मिल गईं। इमरान खान ने तस्लीम किया, ऑफशोर कंपनी बनाई, उनको कहा गया नहीं तुम ठीक हो। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया आज वो वापसी के लिए सिक्योरिटी मांग रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले, वाजिद जिया ने लिखी लिखाई रिपोर्ट पर दस्तखत किए। आने वाले चंद महीनों में अवाम को सब पता चल जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टैक्स चोरी के भी मुर्तकिब हुए। अब तक मंजरेआम पर आने वाले सबूत इंतहाई संगीन और गैर मामूली हैं। नैब को तमाम सबूत मुकम्मल ब्रीफिंग के साथ फराहम करने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली एयाज सुमरो न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए। एयाज सुमरो गुज़श्ता कई माह से दिल के आरजे में मुब्तिला थे। एयाज सुमरो 2013 के आम इंतखाबात में लाड़काना से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सिंध के साबिक वजीर कानून भी रह चुके हैं। और फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरगोजी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने पेशी पर साबिक सदर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। निकोलस सरगोजी पर लीबिया के सदर मुअम्मर कजाफी और 2017 के सदारती इंतखाबात में भारी रकूम लेने के इल्जाम हैं।